हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए फिर एंजॉय करवाते हैं आपको, एक बहुत छोटा सा टॉपिक दिखाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। यानी जब भी कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर्ड करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो आज हम लोग उस मूविंग चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, तो बेसिकली इन दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग, जैसा कि अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो देखिए भाई, मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज पे है, यानी अगर हम कहें कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया और ऐसे ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस पे, वो डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। तो कितना होगा भाई, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ जो ये थीटा दिख रहा है यानी एंगल, तो थीटा क्या हो गया, कहेंगे ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। यानी करना होगा हमको V क्रॉस B, तो फोर्स क्या हो गया Q, और ये है V क्रॉस B। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा, तो फोर्स होना चाहिए V क्रॉस B की डायरेक्शन में, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा V क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ऐसे ये मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से आप करें कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। अब आप यहाँ पे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी राइट हैंड की सारी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स वेलोसिटी वेक्टर एंड गिव नेचुरल टर्न टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, देन डायरेक्शन जो थंब की होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट टेयर क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैग्नेटिक फोर्स किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर हमने इसको इस तरीके से बना दिया और कह दिया इधर लगेगा फोर्स। ये जो फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स देखिए मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अब जिस प्लेन में वेलोसिटी होगी, जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। दूसरी बात, यहीं पे अगर हम कहें कि नहीं चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव है, अब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब अगर हम करें वी क्रॉस बी, तो देखिए वी क्रॉस बी किधर जा रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ बोर्ड, बट नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इनवर्ड यानी नॉर्मल टू प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है, अभी भी देखिए वेलोसिटी के कैसे है परपेंडिकुलर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी कैसे होगा परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर
एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतनी बेसिक सी कुछ बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे जब हम लोग चल करके आए तो यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करेगा कोलिनियर टू मैग्नेटिक फील्ड यानी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं जीरो। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये होना चाहिए था क्यू वी बी साइन जीरो, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से समझें, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो ऐसी कंडीशन में देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो होगा 180 डिग्री। साइन 180 क्या होता है भाई, जीरो होता है। अब साइन 180 जीरो होगा तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होना चाहिए क्यू वी बी साइन 180, यानी वंस अगेन फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम कहें कि ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड और हमने ले जा करके किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, कहेंगे चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा यानी मूव नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि क्यू ए वी साइन थीटा वी जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे ही एक्ट करता है, स्टेशनरी चार्ज पे एक्ट नहीं करता है, यानी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हम कहते हैं कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख देते इस चार्ज को तो फिर इस डायरेक्शन पे इस पे एक फोर्स लग जाता जो होता क्यू, समझ गए। यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी चीज, वेलोसिटी को जीरो करने पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, जीरो। यहाँ अगर हम रेस्ट पे भी रख दें तो भी क्यू ई इसे एक्सेलरेट करवा देगा, मूव करवा देगा, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स स्टेशनरी चार्ज पे एक्ट करता है, स्टेशनरी चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है, मूव करवा सकता है, बट मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल मूविंग चार्ज पे एक्ट करेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है या मोशन डिपेंडेंट फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। इतनी बात समझ गए भाई। तो जब हम इन सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज और देखते हैं कि अगर ऐसे हम कहें कि ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और इस इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, यानी इस तरीके से अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाएं तो यहाँ वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी। अब ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, यहीं पे क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो यही हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा, देखिए मोशन की परपेंडिकुलर,
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वो सारे फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो कोई भी वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स होते हैं वो स्पीड के यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये पार्टिकल जो है हमारा सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, यानी इस फील्ड में ये करेगा सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो इंटर्ड हो गया हमारा इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल इंटर्ड हो गया। अब ये चार्ज पार्टिकल इंटर्ड हो गया तो यहाँ इस चार्ज पार्टिकल पे जब ये चार्ज पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी किधर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर, या हम कहेंगे कि टेंजेंशियल टू पाथ, और वी क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में हो गया भाई मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम अगर पावर की बात करें, पावर कितना होगा, पावर क्या सप्लाई होगी, तो पावर होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यानी अगर लिखते हैं तो ये होता है एफ वी कॉस 90। कॉस 90 जीरो यानी पावर क्या हो गया भाई, जीरो। यानी मैग्नेटिक फोर्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फोर्स, पावर सप्लाई क्या करेगा, जीरो। अब जब कोई पावर सप्लाई नहीं होगी, यानी यहाँ इसको पावर की सप्लाई नहीं मिल रही होगी, तो क्या होगा, तो फिर होगा ये कि हम लोग पढ़ते हैं वर्क, यानी पावर की अगर बात करें तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी dW/dt। अब पावर तो जीरो हो गया तो dW = क्या होता है, pdt। पावर हो गया हमारे पास में जीरो, टाइम तो जीरो होगा नहीं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो 2-4-10 मिनट तो मूव करेगा, यानी टाइम जीरो नहीं होगा। टाइम जीरो नहीं होगा तो फिर जीरो क्या हो गया भाई, वर्क हो गया, यानी वर्क हो गया जीरो। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करेगा। वर्क कौन सा करेगा, केवल मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करने का करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क जीरो है तो चार्ज पार्टिकल की जितनी एनर्जी पहले रही होगी उतनी ही एनर्जी बाद में भी रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है हाफ mv², यानी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूस, तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज होगा, बट उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स ने इस मूविंग चार्ज पे कोई वर्क नहीं किया। अगर वर्क करता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती थी, लेकिन वर्क ना करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए पार्टिकल का मोमेंटम भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। मैग्नीट्यूड मोमेंटम का कॉन्स्टेंट रहेगा, बट मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज होगा ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, देन वी यानी तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी क्या होगी इसकी,
तो वो वही वेलोसिटी होगी, यानी जितनी एनर्जी से ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर्ड होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये इंटर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ वेलोसिटी मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से ये इंटर्ड हुआ, यानी कितनी स्पीड से ये इंटर्ड हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यानी स्पीड पे डिपेंड करेगी इसकी रेडियस, यानी ये जो सर्कुलर मोशन करने वाला है चार्ज, उसकी रेडियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। कैसे करेगी तो वो देखते हैं। यानी यहाँ पे हमने कह दिया भाई ये हो गया चार्ज पार्टिकल। अब ये जब चार्ज पार्टिकल है और ऐसे ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किधर होगी कहेंगे टेंजेंशियल टू पाथ, वी क्रॉस बी करते तो वी क्रॉस बी देखिए पॉइंट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, तो इस डायरेक्शन में इस पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, कितना होगा क्यू वी बी। अब थीटा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बट चार्ज पार्टिकल मूव इन प्लेन ऑफ बोर्ड, तो बोथ क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स क्या होगा मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम फोर्स होगा क्यू वी बी। अब ये क्यू वी बी जो है ये इसे प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम कहें कि जब चार्ज पे क्यू वी बी फोर्स लगेगा और हम यहीं पे बैठे हुए हैं तो फिर इसे बैलेंस कौन करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो क्यू वी बी इज इक्वल होना चाहिए फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी रेडियस, और रेडियस कितनी हो गई तो एम वी अपॉन क्यू वी, तो ये हो गई भाई रेडियस। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम अगर बात किया जाए, मोमेंटम तो मोमेंटम भी क्या होता है भाई मास इनटू वेलोसिटी, तो हम इस रेडियस को यहाँ पे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू वी, यानी रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी पी, और पी क्या चीज है मोमेंटम। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा चार्ज पार्टिकल के पास उतनी ही बड़ी रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल। अब हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, यानी यहां से अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करें तो ये होना चाहिए था 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब रेडियस के लिए अगर हम लिखें तो p तो हो गया भाई 2m k अपॉन में लिख दिया हमने क्यू भी, तो रेडियस क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर्ड करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर्ड होगा तो क्या करेगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करेगा तो जो सर्किल की रेडियस होगी वो पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करेगी, मोमेंटम पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो रेडियस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी। यानी कुल मिला के जो रेडियस है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किस पे वेलोसिटी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, अब इतनी सी बात समझ गए तो अब एक इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। और एग्जांपल क्या है कि एफ टू चार्ज पार्टिकल of charge Q1 and Q2 and mass M1 and M2 are interred in external परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर
मैग्नेटिक फील्ड बी देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पहला पार्ट इफ दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम दूसरे पार्ट में हम कह सकते हैं कि इफ दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पार्ट यहाँ पे हो सकता है कि इफ दे आर मूविंग विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल यानी क्वेश्चन क्या है अपने पास में इफ टू चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 एंड देयर मासेस M1 एंड M2 आर entered in perpendicular uniform external perpendicular magnetic field यानी magnetic field कैसी है perpendicular है जिसमें charge को entered होना है ठीक है then find ratio of their radii और किन condition में बतानी है तो जब वो दोनों charge particle same momentum से magnetic field में entered हो पहला part दूसरा part अगर उन दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम हो मास तो डिफरेंट है चार्ज डिफरेंट है बट काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है सेम या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुए हो ऐसी कंडीशन में अगर हम पहले पार्ट की बात करें जिसमें हमने कह दिया मोमेंटम दोनों का क्या है कॉन्स्टेंट है तो आर इज इक्वल क्या होता है पी अपॉन क्यू बी यानी आर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी तो यहाँ पे R1/R2 का रेशियो क्या हो गया भाई P1/P2 और P1 = P2 गिवेन है यानी P1 = P2 गिवेन है तो लेकिन चार्ज इनके क्या है भाई अलग है समझ गए भाई P1 = P2 गिवेन है हमें तो P1 P2 तो खत्म हो गए यानी जो रेशियो होगा रेडियस का वो R1/R2 होना चाहिए Q2/Q1 जिस पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होगा उस पार्टिकल की रेडियस भी बड़ी होगी तो इतनी बात क्लियर हो गई अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे तो दूसरा पार्ट है देखिए अभी अभी हमने लिखा था रेडियस इज इक्वल क्या होगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में हम लिखते हैं यहाँ पे QB यानी जो रेडियस है देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है सेम तो रेडियस क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन चार्ज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉमन हो गया इतनी बात समझ गए तो यहाँ पे फिर R1/R2 का रेशियो क्या होता तो वो हम लिखते हैं Q2/Q1 और अंडर रूट में क्या होना चाहिए था M1/M2 यानी ये रेशियो तब होगा जब उन दोनों के काइनेटिक एनर्जी सेम हो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पार्ट की तो देखिए Q1 × पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल क्या होना चाहिए P²/2m तो P इज इक्वल यानी मोमेंटम क्या होना चाहिए फिर अंडर रूट 2mQ∆V यानी ये होना चाहिए मोमेंटम अब रेडियस अगर लिखे तो रेडियस होती है P/Q(b) यानी ये हो गया 2mQ∆V/Q(b) करते तो यहाँ जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज तो इसके अकॉर्डिंग R1/R2 फिर क्या होना चाहिए
तो लिखते हैं मंडे रूट एम वन अपॉन एम टू और क्यू टू अपॉन क्यू वन, यानी ये रेशियो तब होगा रेडियस का जब दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होंगे। लेकिन मास उनके क्या होना चाहिए डिफरेंट, चार्ज क्या होना चाहिए डिफरेंट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस जेई 2003 में अभी क्वेश्चन भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए ये हो गया भाई सर्कुलर पाथ, और इस पाथ में ये चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इसकी भी है, इधर सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू भी। तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें कि इसमें कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए अभी देखिए आर इज इक्वल हम लोगों ने लिखा एम वी अपॉन क्यू भी। अब यही अगर वी बाई आर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। एंगुलर वेलोसिटी होती है वी बाई आर, तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो गया क्यू बी अपॉन एम। अब इस एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम देखें तो इसमें रेडियस का टर्म नहीं आया, वेलोसिटी का टर्म नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे पार्टिकल छोटे से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा हो या बड़े से सर्किल में रिवॉल्व कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओमेगा क्यू बी अपॉन एम होगा। ओमेगा का रेडियस यानी छोटा सर्किल और बड़े सर्किल से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड कम है ज़्यादा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं होता है 2π अपॉन ओमेगा, तो टाइम पीरियड यहाँ पे हो गया भाई 2π ओमेगा लिखते तो ये हो गया था क्यू बी अपॉन एम, तो टाइम पीरियड भी हमें मिल गया, कितना मिल गया 2πm अपॉन क्यू बी। अब टाइम पीरियड में भी देखिए दोनों टर्म हमारे एब्सेंट हैं, कौन कौन से दोनों टर्म, एक तो स्पीड और दूसरा रेडियस, तो इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी क्यू बी अपॉन 2πm, यानी हम यहाँ मोटा मोटा एक सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं इन बात को कि एंगुलर वेलोसिटी, यानी सीधी बात कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कहेंगे ये है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट है कहेंगे रेडियस और वेलोसिटी से। तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑल द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी एंड रेडियस, पार्टिकल छोटे सर्किल में घूमे बड़े सर्किल में घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट है उन सारी चीज़ों से। तो इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात समझ में आ गई है तो फिर देखते हैं, यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे इंटर्ड होता तब क्या होता, तो ये हमने बना दी भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में देखिए ये हो गई भाई मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे इंटर्ड हो गया वे वेलोसिटी से, तो जब ये ऐसे इंटर्ड होगा तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अगर हम उन कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स
देखिए, एक तो इधर हो जाएगा भाई, वेलोसिटी के पैरेलल होगा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब अगर इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा वी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो हो गया वी साइन थीटा। अब अगर हम फोर्स लिखें, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड और ये पैरेलल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, कोलिनियर हो गए, तो इसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो यहाँ लिख रहे होते क्यू पैरेलल कंपोनेंट इनटू बी, समझ गए भाई, पैरेलल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो साइन जीरो, यानी ये फोर्स हो गया जीरो। अब इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, ना कभी कम होगा ना कभी ज्यादा होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पे इंटर्ड होगा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो फिर ये वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी कॉस थीटा से मूव करता रहेगा। अब बात करते हैं इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया Q, फिर वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और आगे लिख देते B। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो ये हो गया भाई साइन 90, यानी ये रहा Q, V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू B, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, V साइन थीटा इनटू B कर देते, यानी इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा, क्यू ए बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगा इस पे क्यू ए बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा किस कंपोनेंट के, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के, तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से अब ये चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा। सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा तो किस तरीके का सर्किल बनेगा, अब देखिए यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल इंटर्ड होगा तो वो इस तरीके का मोशन करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मूव करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो यहाँ ये जो पाथ बन रहा है हेलिकल पाथ, इस हेलिकल पाथ पे चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। अब एक टाइम पीरियड में, यानी पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, एक टाइम पीरियड में घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये जो गैप हो गया एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इस गैप को यानी इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस आप दिख रही है, इसे कहा जाएगा पिच, समझ गए भाई। अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, अब हम लोग बात करते हैं इसकी रेडियस की, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, यहाँ टाइम पीरियड की, और उसके बाद में फिर इस पिच का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले आ गए हम लोग रेडियस की बात करें, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, एम वी साइन थीटा इंटू बी, एम वी नहीं है भाई, क्यू ए बी साइन थीटा, तो ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। अब यही मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब कितनी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करेगा, तो वो है वी साइन थीटा, तो ये हो गया भाई एम बाई आर, और वी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा।
यानी सर्कुलर मोशन कितनी स्पीड से करेगा, वी साइन थीटा से, और वी कॉस थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। तो यहाँ पे जब हम रेडियस की बात करेंगे तो ये होगा फिर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो रेडियस इस समय हो गई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, यानी अभी भी रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, लेकिन रेडियस क्या है, अभी भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, बट मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रेडियस हो गई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब यहाँ अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो होना चाहिए v बाई r। तो वेलोसिटी है v साइन थीटा, जिससे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हम लोगों ने रेडियस लिख रखा है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी v साइन थीटा अपॉन r, वंस अगेन फिर मिल गई हमको क्यू बी अपॉन m। तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी है वो देखिए एंगल से क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो ओमेगा क्या हो गया, कहेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल। तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस तो एंगल पे डिपेंड कर रही है, बट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी। अब ये नहीं करेगी तो टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड भी होता है 2π/m। तो यहाँ टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2π टाइम पीरियड 2π/m/qb, यानी टाइम पीरियड भी हो गया इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल। फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हो जाएगी qb/2π/m। तो हम यहाँ पे हमने एक ही रिजल्ट निकाला अभी तक कि एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या होंगे, कहेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्किल या सर्कुलर पाथ। तो ये तीनों ही एंगल से इंडिपेंडेंट होंगे, रेडियस से कोई लेना देना नहीं, स्पीड से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, बात कर रहे हैं हम लोग पिच की। तो पिच यहाँ पे जो होगा, तो पिच अभी हम लोगों ने ऐसे बना रखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे हमने चार्ज पार्टिकल को इंटर्ड करवाया था, चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे मूव भी कर रहा था। तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं पिच। अब ये इस डायरेक्शन में जो इसको ले जाने के लिए रिस्पांसिबल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v cos थीटा यानी पैरेलल कंपोनेंट। तो पिच की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में यानी चार्ज पार्टिकल एक रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा, यानी एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जितनी डिस्टेंस मूव करेगा उसे कहते हैं पिच। तो ये जो पिच यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये हो गया फिर v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है 2π/m/qb। अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में चलिए अब इसको देखिए, कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बस मजा आ जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल ये है कि ये हो गया भाई एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ से किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को,
इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट कर दिया कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है इनटू द प्लेन, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रही है डिस्टेंस पे, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस। यानी इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे। यानी ओरिजिन पे एक्स क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमको? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ये मूव करेगा। तो अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आने वाली है। प्रॉब्लम यहाँ कुछ इस तरीके की आने वाली है कि जब ये चार्ज मूव कर रहा होगा तो वी क्रॉस बी, अब वी क्रॉस बी से जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ सर्कुलर पाथ ट्रेस करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट सर्किल भी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये चलते चलते किसी टाइम पे ऐसे घूम जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो उस समय तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए फिर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए फिर क्या करते हैं। तो ये तो बना दिया हमने भाई, और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट भी कर दिया। तो इधर जब वी वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया गया, इधर इस पे फोर्स लगना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और बी इज इक्वल टू है बी नॉट इनटू एक्स। तो अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल किसी मोमेंट पे यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया तो वेलोसिटी तो अभी भी वही रहेगी, तो ये हो गई वेलोसिटी। अब इस समय मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है भाई थीटा, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस भी होगी। अब ये वाई एक्सिस भी हमने यहाँ पे बना लिया, करते वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर इसे मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा और ये फिर मिल गया हमको 90 माइनस थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस मैग्नेटिक फोर्स का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या हो गया भाई? वी कॉस थीटा। अब देखिए इतनी सी बात है, तो ये जो F लग रहा है वो किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। अब अगर ये पीछे की तरफ लग रहा है F sin थीटा, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए X एक्सिस के लॉन्ग? तो ये नेगेटिव X एक्सिस है, इसलिए हम लोग लिखते F sin थीटा, F sin थीटा अपॉन M कर देते। F कितना होगा? तो ये हो गया भाई QVB साइन थीटा अपॉन एम, ये हो गया एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स इधर है तो रिटार्डेशन इतना होना चाहिए। अब इस मोमेंट पे अगर इतना सा ये रिटार्डेशन है तो इधर वेलोसिटी क्या है? वी कॉस थीटा। अब ये जो वी कॉस थीटा है इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, बट एंगल कंटिन्यूस क्या हो रहा है? चेंज। तो अगर हम ऐसे लिखे वी एक्स, तो वी एक्स क्या हो गया भाई? वी कॉस थीटा। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें डी वी एक्स अपॉन डी टी, तो फिर जानते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएट कर देते तो ये हो गया था माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी।
यानी यहाँ से हमें जो एक्सलरेशन मिलेगा एलोंग एक्स एक्सिस वो हो गया माइनस वी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। अब एक ही पार्टिकल है और उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हमने एक नहीं दो दो एक्सलरेशन कैलकुलेट किए। एक एक्सलरेशन क्या है क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन एम और दूसरा एक्सलरेशन है माइनस वी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तो अगर इन दोनों एक्सलरेशन को हम इक्वल करके लिखें यानी हम यहाँ पे लिख ले माइनस क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन एम तो इधर भी हम लिख सकते हैं माइनस वी और साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। समझ गए भाई। अब यहाँ से चाहे तो हम डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी कितना मिलेगा साइन थीटा से भाई साइन थीटा कैंसिल हो गया यानी साइन थीटा कैंसिल हो गया वी से वी भी कैंसिल हो गया तो मिला क्या हमको डी थीटा अपॉन डी टी माइनस भी कैंसिल हो गया कितना मिला डी थीटा अपॉन डी टी तो ये हो गया क्यू बी अपॉन एम। समझ गए भाई। बट बी इज गिवेन एज बी डी नॉट इंटू एक्स अपॉन एम ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी यानी डी थीटा अपॉन डी टी क्या है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है एक्स पे। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी हमने लिखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है वी कॉस थीटा। इस वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल क्या हो गया भाई वी कॉस थीटा। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब अगर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लें आपस में इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये हो गया भाई डी थीटा अपॉन डी टी और ये हो गया भाई डी एक्स ऊपर हो गया डी टी। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हो गया क्यू बी नॉट इंटू एक्स अपॉन एम और ये हो गया वी कॉस थीटा। समझ गए भाई। तो डी टी से डी टी तो भाई कैंसिल हो गया यहाँ मिल गया हमको डी थीटा और ये हो गया क्यू बी नॉट अपॉन एम वी कॉस थीटा को भी इधर ले आओ तो कॉस थीटा डी थीटा और ये हो गया भाई एक्स डी एक्स। समझ गए भाई। यानी मिला के हमें कॉस थीटा डी थीटा क्यू बी नॉट अपॉन एम वी एक्स और डी एक्स। अब इसी को आगे अगर हम सॉल्व कर ले यानी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्यू बी नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एम वी। अब इनको अगर इंटीग्रेट कर ले तो भाई देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से जो इंटर्ड हुआ अब यहाँ से ये जो इंटर्ड हुआ ये घूमता हुआ जब ऐसे हो जाएगा यानी इसकी टोटल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी थीटा 90 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम इधर कितनी डिस्टेंस चल के गया ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लें 0 से 90 और इसे हम कर लें 0 से x तो फिर ये हो गया भाई साइन थीटा कहाँ से 0 से 90 और इधर हम लिखें तो हो गया क्यू बी नॉट अपॉन एम वी और एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये तो हो गया भाई साइन 90 साइन 90 तो 1 हो जाएगा क्यू बी नॉट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम वी तो फिर 2 एम वी इज इक्वल टू या 2 एम वी अपॉन क्यू बी नॉट इज इक्वल हो गया भाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स कैलकुलेट कर लिया जो हो गया अंडर रूट 2 एम वी अपॉन क्यू बी। तो इतने मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से जो आपको सोचने होंगे किधर फोर्स लगेगा तो बड़े आसान से होते हैं और आप बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि आप लोग तो समझदार आदमी हैं। थोड़ा सा देखा बाकी तो आप खुद ही करते हैं। ठीक है तो भाई उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा एंजॉय करेंगे आप इसमें। ठीक है भाई एंजॉय कीजिए।
मस्त रहिए और फिर मिलिए अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।